पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भाजपा के मुख्य सचेतक व पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है और कहा कि उन्होंने एक सच्चा मित्र व विश्वसनीय सहयोगी खोया है। उन्होंने भगवान से उनकी आत्मा की शांति व दुख की इस घड़ी में परिवार को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की। धूमल ने कहा कि बरागटा के निधन से न केवल उनके परिवार बल्कि भाजपा को भी अपूर्णीय क्षति पहुंची है। धूमल ने कहा कि नरेंद्र बरागटा ने हमेशा बागवानों के मुद्दों को उठाकर उनके समाधान के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में आज चल रही अधिकतर मंडियों की स्थापना में नरेंद्र बरागटा के योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि बरागटा के निधन से बागवान व बागवानी के सच्चे हितैषी को आज प्रदेश ने खोया है, जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के दोनों कार्यकालों के दौरान नरेंद्र बरागटा बागवान मंत्री रहे और प्रदेश में बागवानों के लिए सड़क, मंडी व अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी भूमिका अदा करते रहे। आज बहुत ही दुखद समाचार नरेंद्र बरागटा जी के दुखद निधन का मिला। हमने एक सच्चा मित्र और विश्वसनीय सहयोगी खो दिया। बागवानों और बागवानी का सच्चाई तहसी चला गया। श्री बरागटा दोनों बार सरकार में मेरे सहयोगी रहे और दोनों बार बागवानी मंत्री थे। बगीचों को सड़कों से जोड़ना ताकि उत्पादन मंडियों तक पहुंचे, इसके लिए विशेष रुचि रखते थे। हमेशा बागवानों की समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील और संघर्षशील रहे। बड़ी बड़ी मंडियां बनाने में सरकार में सहयोग किया। खड़ा पत्थर, पराला, ढली, सोलन जैसी मंडियां जहां सेब का बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है, उनके निर्माण में श्री नरेंद्र बरागटा का बहुत सहयोग रहा है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि परिवार को इस सदमे को सहने की शक्ति दे और उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। आज सुबह ही हमें इस दुखद समाचार सुनने को मिला। मन में बड़ी पीड़ा हुई। जाना तो जीवन में सबको ही होता है, लेकिन समय से पहले चले जाना, जहां इसका दुख जो है वो हमें भी है, परिवार को भी है, वहाँ एक पार्टी को बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि ये शिमला जिले के ग्रामीण क्षेत्र से बरागटा जी संबंध रखते थे और अपने जीवन काल में इन्होंने गांव गरीब की समस्याओं को के साथ साथ बागवानों की समस्याओं को उठाया। जब वो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर रहे, उसमें उन्होंने जो सेब का जो क्षेत्र है बागवानी के लिए, एक बड़ी मार्केट चेन जो है मंडियों के रूप में APMC जो है वो उसको बड़ा मजबूत किया। और जब भी हमसे मिलते थे, जब मुझे कृषि विभाग का दायित्व मिला, तो मैं उनसे ऑफिस में जाकर के मिला। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कुछ सुझाव दीजिए कि हम इस और जो है वो कैसे बढ़ें। तो उन्होंने बहुत सारे उनके जो सुझाव दिए और एक उनको पीड़ा रहती थी। मैंने कहा कि आपके जो योजनाएं हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, पराला मंडी और शिमला क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों तक मंडियों को पहुंचाने में एक बड़ा योगदान आदरणीय श्री बरागटा जी का रहा। तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को ये कष्ट सहने का, ये इतना बड़ा आघात सहने के लिए जो है उन्हें ताकत दे। और शिमला डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और तीसरी दफ़ा विधायक बने और इससे पहले दो दफ़ा मंत्री भी रहे, अभी चीफ विप थे। और एक बहुत बड़ा शून्य हिमाचल की राजनीति में आया है, एक बहुत बड़ा नुकसान जो है राजनीति को हुआ है। और
ऐसा व्यक्तित्व जो कि शिमला से भी चुनाव जीता और उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज की और जुब्बल कोटखाई से वो एमएलए बने, और एक बहुत ही सरल और मृदुभाषी व्यक्तित्व के मालिक थे। हमारा उनसे रिश्ता उस समय का है जब हम पत्रकार हुआ करते थे और उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था, तो जिस तरीके से राजनीति के दौरान उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया, हमसे बातचीत की, प्यार दिया, स्नेह दिया, हम उनको कभी भुला नहीं पाएंगे। और कुछ अरसा से बीमार थे और कभी हमने ये सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी हमारे बीच में से चले जाएंगे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई, लेकिन ये हकीकत है कि आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि दिवंगत आत्मा को शांति दें।